एएचएम कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को तेज किया। आज से 11 एनएचएम कर्मचारी कार्मिक अनशन शुरू कर देंगे। रोहतक में 350 के करीब एनएचएम कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष बैठे और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाएंगे। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगे नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज से 11 एनएचएम कर्मचारियों ने खमिक अनशन शुरू किया है। सरकार ने जल्द ही मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमारे हड़ताल को सफल हड़ताल को मैं कहूँगा, आज 10वां दिन है। आज तक जो है हम शांतिपूर्वक अपना धरना स्थल पर बैठ कर जो है ना इस हड़ताल को सफल बना रहे थे। आज हमारे जो 11 साथी है वो कर्मी कंशन पर बैठे हैं। कल हमने हवन द्वारा जो है सरकार को अधिकारियों को जो है ना सद्बुद्धि के लिए एक हवन के यज्ञ किया गया था यहाँ पर हड़ताल स्थल पर भी। हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पर जो एनएचएम के हमारे कर्मचारी हड़ताल पर है पूरे हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से पहले इन्होंने जो है ना बीच में सहमति बनाई थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन है वो इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए, नहीं तो जो है ना सरकार के लिए जो है ना ये ठीक नहीं है। कि जो एनएचएम के जो कर्मचारी अपने हड़ताल पर चल रहे हैं तो हमने इसकी सरकार को सूचना भेज दी गई है और इस बारे में सरकार द्वारा आदेश हैं कि अपनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, तो हमारी जो रोहतक जिले की जो स्वास्थ्य सेवाएं हो अच्छी तरह से चल रही हैं। अभी ऐसा कोई नहीं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव पड़ा, क्योंकि 350 के करीब यहाँ पर एनएचएम कर्मचारी हैं। एम्बुलेंस पे खासतौर पर इसका असर देखा जाए, एम्बुलेंस के खासतौर पर जो असर है उनको हमने अच्छी तरह से अरेंजमेंट कर लिया गया। एम्बुलेंस सर्विसेज हमारी ठीक तरह से चल रही है। जिस तरह टीकाकरण का अभियान है आज, टीकाकरण का जो अभियान है उसके लिए हमारे पास जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज हैं तो हमारे काम ठीक तरह से कर रहे हैं। रोहतक से विकास ओहियान की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।